विश्व कप के फाइनल में केन विलियमसन ने रचा इतिहास, तोड़ा 12 साल पुराना रिकॉर्ड। विश्व कप 2019 का फाइनल भले ही इंग्लैंड ने जीत लिया, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने इतिहास रच दिया। कीवी कप्तान ने इस विश्व कप में 549 रन बनाकर एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। मौजूदा विश्व कप में अपने बल्ले के दम से ही विलियमसन ने न्यूजीलैंड को फाइनल तक पहुंचाया है। विपरीत हालातों में खेली गई 53 गेंदों में 30 रन की पारी के दौरान विलियमसन एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके पहले श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने ने 2007 विश्व कप में 548 रन बनाए थे। कैरेबियाई सरजमी पर खेले गए उस टूर्नामेंट में जयवर्धने ने यह कमाल किया था जो अब तक बरकरार था। मगर विलियमसन ने मौजूदा विश्व कप के 10 मैचों की 9 पारियों में 578 रन बनाकर उनके रिकॉर्ड को तोड़कर यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में विलियमसन ने 30 रन बनाए और लियाम प्लंकेट ने उन्हें विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराकर पवेलियन लौट आया। इस टूर्नामेंट में विलियमसन कीवी टीम की बल्लेबाजी की दूरी बने रहे।